मेरे भाई और बहन, आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो मैं आपके स्वागत में मैं विलोपन विधि बताने वाला हूँ, और कैसे विलोपन विधि में कैसे कई नियम लगते हैं बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें बताएंगे, विलोपन विधि में एक बात बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस नियम से विचलित होता है, कैसे हट के है, ये भी आपको बताएंगे। और इसी विधि को यानी विलोपन विधि को 5 या 6 सेकंड में हल करने के लिए कैसे हल किया जाता है, आप एक लाइन में हल करेंगे या एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वो भी बताएंगे। तो दोनों तरह का रूल बताएंगे आपको, आप हमारे साथ बने रहेंगे। विश्वास रखिए कि इतने इजी नियम बताएंगे आपको कि समझ में आ जाए। सही। तो सब पहला नंबर ये पॉइंट वाइज गिनते हुए चलेंगे कि समझ में आया कि नहीं, और कमेंट करेंगे, बताएंगे। ये ईमानदारी की बात होती है मेरे बड़े भाई कि जब आपको समझ में आता है तो एक लाइक मारने में कुछ आपका जाता नहीं है। उस एक लाइक करते हैं तो हम लोग का हौसला बढ़ता है कि हम लोग को कुछ आता है। ये आपका लाइक पावर देता है हम लोगों को, कोई भी यूट्यूबर हो, उनको आपके लाइक और कमेंट उनके हौसलों को आगे बढ़ाता है। और वो हौसले बढ़ाने का जगह किनके पास है, आपके पास है। तो इस हौसले बढ़ाने का पावर आप लोग के पास होता है, आप बढ़ा सकते हैं। अब शुरू किया जाता है किस बोर्ड में आता है, ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, तीनों बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न पे सिलेबस चलते हैं। अब ये वहाँ पे तीनों बोर्ड में एग्जाम में आता है। तो ये 6 नंबर के आप पूछे जाते हैं, पहले 4 नंबर के थे, अब 6 नंबर के। आप भी अपने विद्या क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, राजीव, यानी जिस तरह के बुक पढ़ते हैं तो पीछे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर का यह आता है। यदि आपको इस तरह के समीकरण दिए हो तो आपको 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, और समीकरण न दिया हो, आपको समीकरण बनाना होगा, तो 6 नंबर का दिया जाएगा। तो आप इन दोनों में से 6 नंबर या 4 नंबर का फिक्स आप पा सकते हैं। कब? जब इस नियम का पालन करेंगे तब। विलोपन विधि से पूछा जाए तो विलोपन विधि से बताना, प्रतिस्थापन से पूछे तो प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणनखंड पूछे तो उससे बताना, जब कुछ न दिया हो तो समीकरण हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लेना, यही तो नियम है। तो इसको हम बताएंगे, 2-4 मिनट लगेंगे, और बताएंगे इसको 1 मिनट में कैसे, 15 सेकंड में कैसे एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वो भी ट्रिक आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले इनको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इनको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और 2। आप देखिए अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 मान लिए, लिखेंगे नीचे तो समय लिखे लगेगा, हम वहीं पे लिख दिए 1 और 2। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, पहले इनमें बात क्या करेंगे, इन एक्स का गुणांक देखिए क्या है, 3 है, और ये वाले एक्स का गुणांक 2। आपको बराबर करना है, बराबर का मतलब समझ रहे हैं क्या करना है, आप दो में ऐसे कोई अंक अपने मन से चुनेंगे, यही से आपका दिमाग शुरू होता है काम करना, शुरू कर देगा काम करना, क्या चल रहा है। 3 में ऐसा कोई अंक निकालिए जिनमें गुणा करने पे 6 आ जाए, इनमें भी गुणा करने पे 6 आ जाए। तो आपके मन में आता होगा यदि हम 3 में 2 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, बात सही है, 3 में 2 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, और 2 में 3 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। ये दोनों बराबर दिख रहा है, यही काम आपको करना है। जो मेरे बड़े भाई करना सीख गए ना, तो विलोपन विधि सीख गए। अब एक बात करेंगे, इसको बराबर करने के लिए आपके मन में आता होगा कि नीचे वाले का ऊपर गुणा कर दिया जाए तो बराबर हो जाएगा, और ऊपर वाले का नीचे गुणा करेंगे तो इनके बराबर। ये हम जो यहाँ पे तीर लगाए हैं सिंबल, वो सही है कि नीचे वाले का ऊपर किया जाता है और ऊपर वाले का नीचे, और हम लोग का बराबर। बराबर करने का कारण क्या है कि हम लोग बराबर करेंगे, बराबर करने का वजह कारण यही है कि हम लोग को यक्ष को लुप्त कर देना है, कटा देना है, और वाई को बचा लेना है। तो जब हम लोग एक बार वाई को बचाएंगे, यक्ष को कटाएंगे, कटा देंगे, तो वाई का मान देगा,
और जब वाई के जगह पे एक्स का मान रख देंगे तो एक्स का मान दे देगा। तो हम लोग को दो ही बात तो चाहिए, एक्स और वाई का मान चाहिए। बात सही में समझ में आया? प्रतिस्थापन विधि हो या प्रजगुणन खंड हो या विलोपन हो, एक्स वाई का मान चाहिए, लेकिन नियम के साथ चाहिए, नियम के साथ चाहिए। यदि जिस व्यक्ति का यक्ष का बराबर नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोगों के मन में चलता होगा कि हम वाई का बराबर करें, तो वाई का कैसे करेंगे? आप देखिए, ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 2। बताए ना, नीचे वाले का ऊपर में गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले का नीचे, वो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। तो नीचे ऊपर 4 है, नीचे का 2, तो गुणा कर दीजिए 2। नीचे 2 है तो ऊपर वाले का नीचे गुणा करिए, 8 होगा, 8 हो जाएगा। इस तरह हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। जिसका यक्स का मान बैलेंस करना है तो करेंगे, या जिसका मन में वाई का चलता हो तो वाई का करेंगे। और जो इतना बैलेंस कर लिए ना, तो उनसे सवाल हल हो गया, बन गया। देखेंगे अब, आपको समझ में आ गया कि जिसको बैलेंस करना होगा उस तरह आप इनका कर लेंगे। लिख देंगे यहां पे समीकरण 1 में, देखिए लिखेंगे यहां पे समीकरण, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह भी कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, देख लिए, ऐसे कर देंगे, हो गया। अब जैसे इनको इस तरह कोष्टक में लगा दिए तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। एक हम नीचे उतार के दिखा देते हैं कि 2 है और यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। तो आपको मन में यही आता होगा ना कि इस 2 का इनमें गुणा कीजिए तो 6x, और यही वाले 2 का इनके साथ करेंगे तो प्लस 8y, और इन यही 2 का गुणा करेंगे दिन में तो होगा कितना, बराबर 20। समझ में आ गया? सेम इसी नियम के अनुसार सबको गुणा कर देंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 2 का गुणा करिए 3 में तो 6x प्लस 2 का गुणा करिए 4 में तो 8y, 2 का गुणा करेंगे 10 में तो 20 हो गया। उसी तरह 3 का नीचे गुणा करिए, 3 दुना के 6x प्लस 3 दुना के 6y बराबर 3 दुना के 6 हो गया। अब जैसे आपको समीकरण मिल गया तो आप क्या करते हैं, इनका कहेंगे घटाने पर, या इनका नाम भी दे सकते हैं तीसरा चौथा, क्या देंगे, तीसरा चौथा, यानी समीकरण भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिख दीजिए समीकरण को घटाने पर। तो आप जैसे इनको घटाएंगे तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब पता है आपको कि 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचता है, 0 बचता है, तो 0 हम ना लिखे, इनको इस तरह कटा देंगे। अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 6 कम करेंगे 2y, लेकिन प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो क्या आप बताएंगे, प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस है तो प्लस का, माइनस होता तो माइनस लगा देते, बराबर 20 में से 6 कम कर दीजिए, कितना होगा, 14 होगा। आप 14 में देखेंगे कि प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो प्लस है तो हमने प्लस कर लिया, माइनस होता तो माइनस कर लेते। तो y बराबर जब किया जाता है तो a वाले 2 क्या करता है, भाग दे देता, तो 14 में 2 का भाग होगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, तो y का मान पता चल गया, कितना हुआ, 7 हुआ, y का मान मिल गया 7। जब y का मान मिल गया तो आप किसी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं, यही है विलोपन विधि। अब आपको बताएंगे शॉर्टकट कि कम समय में कैसे इनको हल किया जाता है, ठीक है ना, वो भी बता देते हैं आप। तो अब y का मान लिखेंगे
समीकरण एक में या दो में रखने पर, तो लिख देंगे कि समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, रखने पर, तो समीकरण एक क्या है पहले लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4 और y के जगह पे क्या लाएंगे, जो आप मेहनत करके पाए हैं, अभी मेहनत करके कुछ आपने वर्क किया ना, तो वो पाए हैं वही रखेंगे। और ये बात आप कमेंट में भेज देंगे कि आप क्या मेहनत करके पाए हैं, तो कमेंट में भेजिएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 7 बराबर 10, तो हो गया कितना, करेंगे कितना, इधर कितना है 10 है। अब हम लोग का इधर कितना चल रहा है, 3x प्लस 7 का 4 में करेंगे गुना, तो कितना होगा आपको भी पता है, 7 चौक 28 होगा और इधर है 10, 3x बराबर 28 को जैसे उधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस 28, 28 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कम करेंगे तो 18 होगा, तो 3x बराबर माइनस 18, कितना माइनस 18, और x बराबर करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, भाग देगा किन में, 18 में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 18 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छके 18, तो x का मान मिला कितना माइनस 6, कितना हो गया x का मान माइनस 6। तो आप x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, और इसी नियम को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। अब आपको बताते हैं कैसे ट्रिक से हल किया जाता है बहुत कम समय में, तो इनके लिए एक नजर आप रखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे। हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जो ये 10 के लिए 4 नंबर प्रत्येक साल ईपी बोर्ड एग्जाम में आता है और छमाही में भी आता है। तो हर एक बार विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब पूछे जाते हैं, तो इनमें से हम एक आपको पहले प्रतिस्थापन विधि का एक नियम बताते हैं कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले इनको कैसे हल किया जाता है, ये हम ही लोगों के यूपीए बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, इसको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको कैसे हल किया जाए, तो उसमें भी कैसे हल किया जाता है, उसमें ट्रिक लगाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल चलाया जाता है, तो हम दोनों तरह से बता देते हैं। सबसे पहले इनको हम समीकरण को प्रतिस्थापन मीन्स क्या होता है ये हम बताएं। प्रतिस्थापन मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हैं किसी मंदिर का स्थापना किया जाता है, किसी मंदिर का स्थापना किया जाता है, किसी मस्जिद का स्थापना किया जाता है, यानी वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो आप धीरे धीरे लाते हुए एक एक से करते करते बना देते हैं, तो आप लोग कहते हैं यहाँ पे स्थापना हुआ है। उसी तरह यहाँ पे दो समीकरण है, दो समीकरण से हम अधिक समीकरण बनाएंगे, दो समीकरण से अधिक समीकरण बनाएंगे हल करने के लिए, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, तो देखिए बताते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है। सबसे पहले इनको हम समीकरण नंबर एक माने और इनको समीकरण नंबर दो मान लेंगे, दोनों को मान लिए एक और दो। अब लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, तो समीकरण नंबर एक से तो यहाँ पे है 2x प्लस y बराबर 5, बराबर 5, इनमें से हम y का मान निकाल लेते हैं,
तो y का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे y बराबर करेंगे तो y बराबर 5 है। अब ये 2x बराबर का राइट पक्ष आगे जाता है तो माइनस हो जाएगा, इधर धनात्मक है तो माइनस होगा, 2x होगा। इनको मानेंगे समीकरण नंबर 3, कितना हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब हम लोग को पहले दो समीकरण मिला, अब तीसरा समीकरण मिल गया, अभी काम करेंगे। अब तीसरे समीकरण के सहयोग से हम y का मान यदि पहला समीकरण में रख देते हैं, कहां पे रखेंगे, पहले वाले समीकरण में रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x का मान मिलेगा। किसका मान, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमको x का चाहिए कि y का। अब ऐसा ना हो कुछ पता है नहीं, आप इसी तरह रखते हुए चल रहे हैं, तो आपको भी इतना चाहिए कि हमको y का मान मिल गया तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे तो हम लोग का मान मिल जाएगा। तो एक काम करेंगे, अब यदि हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कुछ गड़बड़ मिलने वाला है, देखिएगा जो इसी का आप ध्यान देंगे, आप इसको आपको कुछ करना नहीं है। पहले में आप रखेंगे y का मान तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, जैसे हम चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 2x है प्लस y बराबर 5, y का मान रखेंगे 2x प्लस y के जगह पर कितना होगा 5 माइनस 2x बराबर 5 बराबर 5। अब देखिए इनमें से यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये प्लस है और ये भी प्लस है, जब दोनों को एक तरफ करेंगे तो वो भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह पे यक्स का मान कुछ मिला नहीं, तो आप लोग भी ध्यान देंगे ऐसे गलतियों में फंसना नहीं है ताकि कुछ मिले नहीं। तो कभी भी जब पहले समीकरण से आप तीसरा समीकरण निकालेंगे तो कभी भी आप पहले समीकरण में इनका मान नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, जैसे कि हम दिखा दिए यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 1 में कभी नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे 2 नंबर में रखेंगे, किसमें लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, इस समीकरण में रखिएगा। अब रखिए यहां पे 2x 3x प्लस 2y बराबर कितना है 8। इसी समीकरण में y के जगह पे हम लोग रखेंगे कितना, ये वाला पार्ट इतना रखते हैं y के जगह पे, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 और y के जगह पे हम लोग रखेंगे कितना 5 माइनस 2x बराबर 8। अब यहाँ पे 2 के बगल में कुछ ना हो तो वहाँ पे गुणांक हम लोग मानते हैं, जैसे कोष्टक आप लोग तोड़ते हैं ना सेम उसी तरह कोष्टक को तोड़िएगा। तो जैसे उनको तोड़ेंगे कोष्टक को तो 3x प्लस 2, जैसे 2 का कोष्टक तोड़ेंगे तो इनके साथ इनके गुना होगा, 2 5 10, और यही 2 का इनमें भी गुना करेंगे माइनस 4x बराबर 8 बराबर 8 हो गया। अब 3x और 4x को एक तरफ करेंगे 3x माइनस 4x बराबर बराबर के तरफ 8 है और 10 इधर से जैसे जाएगा राइट साइड में तो माइनस होगा 10 माइनस 10 हो गया। आप इनको आप हल कर सकते हैं, दोनों तरफ आप हल करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, कितना होगा माइनस कितना पर पहले देखिए कितना होगा यक्स होगा, यानी 4 में से 3 कम कर लेंगे तो 1 बचेगा यक्स, चिन्ह किसका ज्यादा है उसी का लगाएंगे
तो माइनस का माइनस लगा दिए। उसके बाद इधर देखेंगे 10 में से 8 कम करेंगे तो 2, प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो जिसका ज़्यादा रहता है उसी का हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे माइनस, दोनों तरफ माइनस आ गया, तब क्या किया जाता है, कहेंगे दोनों तरफ माइनस आ गए तो कटा देंगे या तो छोड़ देंगे, ये भी कर देंगे या छोड़ देंगे। तो यक्स बराबर कितना मिला, 2। तो यक्स का मान पता चल गया। अब वाई का मान निकालना है, तो जब आपको वाई का मान निकालना है तो अब कैसे करेंगे, देखिए वाई का मान रख लेंगे किसी समीकरण में रख लीजिए। अब यही आपको ऑफर है कि जब y का मान इसमें x का मान निकाल लिए तो इन तीनों में किसी का समीकरण में रखिए, फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में, तीनों में रखिएगा, आपको y का मान मिलेगा। देखिए हम एक रखते हैं, तो समीकरण नंबर पहले ही वाला में रख ले या तो तीसरे में रख लेते हैं, कहाँ रखें, तीसरे में, y बराबर तीसरे में रखेंगे हम लोग तो गुणा भाग करना नहीं होगा, गुणा करेंगे लेकिन भाग की जरूरत, और इन लोगों में रखेंगे तो भाग भी देना होगा। तो y बराबर 5 और माइनस 2x, तो y बराबर 5 माइनस 2 और x के जगह पे 2 मिला है, कितना मिला था x का मान, x का मान कितना मिला था, 2 मिला था, तो हम इनके जगह पे 2 रख दिए। तो y बराबर 5 का इनमें 5 और 2 दुना के 4, y का मान कितना आ गया, 5 और 4, 5 में से 4 कम कर गया तो 1 हो गया। अब देखिए 1 के बाद धन अधिक है कि ऋण अधिक है, तो कहेंगे ऋण अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे ऋण लगा दिए। तो y का मान नहीं, ऋण नहीं, धन वाला अधिक है तो धन लगाएंगे, तो y का मान 1 मिला और x का मान 2। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यदि समझ में आया तो एक लाइक कीजिए, हम सब्सक्राइब के लिए नहीं गए, यदि आपको बार बार इस तरह के सवाल चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बड़े भाई और बहन, आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। मैं आप लोग को बताऊंगा विलोपन विधि। समीकरण तो आप हल कर लेते हैं, तो समीकरण को, इसी समीकरण को हम बताएंगे आपको 15 सेकंड में हल कैसे किया जाएगा और x और y का मान कैसे निकाला जाएगा। लेकिन आपको 10 में दिया जाता है 6 नंबर का, पहले ये आता था 4 नंबर का, अब आता है 6 नंबर का, जो यूपी बोर्ड, बिहार, हरियाणा, सब एनसीईआरटी पैटर्न पर चलता है, तो तीनों जगह यानी तीनों बोर्ड में 6 नंबर का ये सवाल आता है। अब आपको यदि समीकरण दे दिया गया हो तो 4 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का, 4 नंबर का होगा। यदि समीकरण बनाना होगा तो 6 नंबर का होगा, यही सवाल। तो आपको कहा जाएगा विलोपन विधि, तो आप विलोपन विधि से निकालेंगे तब आपको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि इनको हल कर देंगे प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि तो मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। जो नियम कहा जाए उसी नियम से आप हल करेंगे तो मिलेगा, आ नहीं तो गलत ही होगा और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे विलोपन विधि कैसे किया जाता है, और इसके जरिए और एक बात और बताएंगे आपको, जो किसी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं और 15 सेकंड में कैसे x का मान निकालेंगे और y का मान, तो इसी सवाल से बताएंगे 10 सेकंड, 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये समीकरण नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, तो हम इसको नीचे लिखेंगे तो समय लगेगा, आप भी इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जहां पे दिया एक बार लिखेंगे उसी जगह पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मान लेंगे। जैसे हम यहां पे समीकरण नंबर 1 मान लिया और समीकरण नंबर 2 मान लिए, कर दिए समीकरण नंबर 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, अब एक पहला समीकरण और दूसरे समीकरण का यदि x का गुणांक 3 है, देखिएगा 3 है और ये वाले x का गुणांक कितना है, 2 है, यदि गुणांक को बराबर कर लिया जाए,
ये किसका नियम है? विलोपन विधि का नियम है, कैसे इसको हल किया जाए। तो हम यदि इनके गुणांक को और यक्ष का गुणांक को दोनों को बराबर कर लें तो यक्ष के गुणांक और यक्ष को लुप्त करा देंगे यानी कटा देंगे तो बचेगा क्या? वाई, तो वाई का मान दे देगा। बस बात यही समझना है और बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं है। सुनिए दोबारा, यक्ष का गुणांक दोनों में, ये समीकरण एक और दो, आप किस ढंग से कैसे सोचेंगे कि दोनों बराबर हो जाए? तो आपका सवाल हल हो गया, आपका सवाल हल हो गया। ये तो हमको भी पता है, आप 10 में पढ़ने आए हैं तो आपको गुणांक पता होगा, कोफिशियंट पता होगा, पावर पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात कहते हैं। तो ये तो पता है, इतना नहीं बताना है आपको। तो आपके मन में आएगा कि यदि हम ऊपर 2 का गुणा कर दें और नीचे 3 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर। अब हम लोग का दोनों बराबर हो गया तो ये 3 के जगह पे अब क्या लिखें हम? 6 लिखेंगे और इनके जगह पे 6। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे 3 है और नीचे वाले पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो इसमें ऊपर नीचे किसका गुणा किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए? तो ऊपर वाले का नीचे में गुणा कर देंगे और नीचे वाले का ऊपर गुणा कर दे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पहले तो ऊपर नीचे का है और नीचे वाले को हम ले जाके ऊपर गुणा कर दिए तो 6 हो गया और ऊपर वाले को ले जाकर नीचे से गुणा कर दिए तो 6 हो गया। अब दोनों बराबर हो गए तो हम इनको कटा सकते हैं। यही बात आप यक्ष का भी किए, जिसका इच्छा करता है, मन करता है तो वो यक्ष को नहीं वाई का भी बराबर आप कर सकते हैं। तो वाई में आप सोचेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आया? आप बताएंगे कि मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वाई में भी आप कर सकते हैं, यदि वाई का बराबर चाहे तो वाई में क्या लिखा है? यहाँ पे 4 लिखा है और नीचे क्या है? 2। इसमें आप कैसे बराबर कर सकते हैं बताए ना? नीचे वाले का ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाले का नीचे कर दीजिए, वाई का भी बराबर आप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ का 4 हमने यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिए। यदि नीचे वाले को ऊपर गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले का नीचे तो देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए। तो जिसको आप बराबर करना चाहते हैं बराबर कर लेंगे और जब वो बराबर हो जाएगा तो आप उसको कटा लेंगे, लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे ना, और जो बराबर रहता है उसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा कोई एक जो उसमें वाई का मान निकाल लेंगे। इतना समझ में आपको आ चुका होगा। तो अब हम आगे इनको बनाते हैं। देखिए देखिए लिखेंगे क्या यहां पे लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। या आप लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, या समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, या इस तरह कर देंगे, सीधे ऐसे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ पे 3, 2 का गुणा करेंगे इस समीकरण इनमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, यक्ष प्लस, और इसी 2 का इनमें गुणा करेंगे तो 4 गुना के कितना होता है? 8 वाई, और वही 2 का गुना करेंगे ए वाले में 10 में तो कितना होगा? 10 गुना के 20 हो जाएगा, कितना हो गया? 20 हो गया। अब ये 3 का गुना करिए 2 में 6x, और यही 3 का गुना करेंगे इनमें करेंगे तो कितना होगा? 6 गुना के 6y बराबर, और इसी 3 का गुना करेंगे 2 में तो आपको पता है 2 में 2 का गुना होता है तो कितना होता है? 3 का गुना करेंगे 2 में तो ये भी 6 हो जाएगा, आ गया। अब इसी समीकरण को आप हल कर लेंगे तो आपको किसका मान मिलेगा देखेंगे, लिखेंगे घटाने पर तो यहां का चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर
तो हम लोग घटा दिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है और नीचे माइनस का, तो प्लस छः में से माइनस छः कम कर देंगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो कट जाएगा, ये खत्म हो गया। बचा क्या? यहाँ प्लस छः है और यहाँ माइनस, तो आठ में से छः कम करेंगे तो आपको भी पता है कि आठ में से छः कम किया जाता है तो दो बचता है, तो दो हम लिख दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दो वाई। अब एक और बड़ी बात, छोटी बात नहीं, इस पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि आठ बड़ा है कि छः, तो जिसका बड़ा है उसी का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ प्लस का बड़ा है आठ, तो हमने प्लस लगा दिया टू वाई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस बीस है और छः, बीस में से छः कम कर दीजिए, हो जाएगा बारह, नहीं होगा कितना, चौदह होगा, चौदह होगा। अब चिन्ह लगाना है प्लस का या माइनस का, तो अब देखिए प्लस बीस ज़्यादा होता है कि माइनस छः, प्लस बीस ज़्यादा होता है तो प्लस का हमने लगा दिया। अब यहाँ से वाई बराबर करेंगे तो दो कहाँ जाता है, वाई के नीचे जाएगा, चौदह बटे में दो, दो एकम दो, दो सात चौदह, तो वाई का मान मिल चुका है, वाई बराबर दो, वाई का मान मिल गया, वाई का मान कितना हुआ दो। अब एक काम करेंगे, ये जो जितना रूल चल रहे हैं विलोपन विधि की हैं, प्रतिस्थापन विधि नहीं, गुणन ब्रज गुणनखंड विधि नहीं, समझ गए, और आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कितने कम समय में हल किया जाए, देखेंगे। अब y का मान समीकरण एक या दो किसी में आप रख सकते हैं, जिसमें आपका इच्छा करता हो उन समीकरण में आप y का मान रख लीजिए। और एक और बात, जिसमें आपको कटाने पिटाने में आराम हो, आसान दिखता हो, अब ऐसा ना बड़े वाले में रख दिए गुणा भाग करने में दिक्कत, तो आप भी समझिए कहाँ पे बहुत तेजी से उत्तर मिल जाए वहीं पे लग जाइए। अब यहां पे हम लोग लिख लेंगे समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, तो रखेंगे समीकरण एक, देखिए यहां पे क्या है, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर दस, तो हम लोग वाई का मान रखेंगे तो यहाँ पे है हम लोग का तीन एक्स प्लस चार, और वाई का की जगह पे क्या लाएंगे, दो लाएंगे, ये वाला दो रखेंगे, तो दो कर दिए बराबर दस, तीन एक्स प्लस चार दुना के आठ बराबर कितना है दस, तो तीन यक्स बराबर दस माइनस आठ, दस में से आठ कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो होगा, दस में से आठ कम कर देंगे तो कितना होगा, दो होगा। आप देखेंगे दस प्लस ज्यादा है कि माइनस, माइनस ज़्यादा होता तो माइनस लगाते हैं, प्लस होता तो प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा दिए। यहाँ पे कितना है, तीन है, तो अब तीन ये क्या करेगा, इनके नीचे जाएगा, तीन इनके नीचे जाएगा, तो दो बटे में तीन किन का मान आ गया, यक्स का, दो बटे में तीन यक्स का आ गया। इतना तक आपको समझ में आया, तो यदि आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा, और कहिए समझ में आया कि नहीं।